जय श्री कृष्णा दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार हर महीने में अमावस की तिथि आती है। इस प्रकार एक साल में 12 अमावस पड़ती है। यह अमावस्या जब सोमवार को पड़ती है तो इसे हम सोमवती अमावस कहते हैं। इस बार सोमवती अमावस 12 अप्रैल को पड़ेगी, जो कि इस साल यानी 2021 की यह पहली और आखिरी सोमवती अमावस होगी। अर्थात इस साल केवल एक ही सोमवती अमावस आएगी। ऐसी दशा में इस सोमवती अमावस का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में सोमवती अमावस के दिन किए गए दान का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि सोमवती अमावस के दिन स्नान दान करने से घर में सुख शांति और खुशहाली आती है। दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार सोमवती अमावस के पावन दिन पर पितरों का तर्पण करने से भी विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सोमवती अमावस के दिन पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व होता है। स्नान करने और उसके बाद दान देने से लाभ कई गुना अधिक फलदायी होता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में सोमवती अमावस के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सोमवती अमावस्या के पावन दिन माता लक्ष्मी की पूजा करना भी अत्यंत लाभकारी होता है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे सोमवती अमावस्या की पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। संभव हो तो इस दिन पवित्र नदी में स्नान करें। घर के मंदिर में दीप को प्रज्वलित करें और भगवान का ध्यान करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत करें। सोमवती अमावस्या के व्रत का बहुत अधिक महत्व माना गया है। भगवान शिव की आराधना करें और उन्हें भोग लगाएं। भगवान शिव के साथ माता पार्वती जी की आरती करें। इस दिन आप दिन भर ओम नमः शिवाय के मंत्रों का जाप भी करें। दोस्तों, माना जाता है कि पीपल के पेड़ में पितर और सभी देवों का वास होता है, इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन जो दूध में पानी और काले तिल मिलाकर सुबह पीपल को चढ़ाता है उन्हें पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है। इसके बाद पीपल की परिक्रमा करें और इससे सभी देवताएं प्रसन्न रहते हैं। ऐसा करने से हर तरह के पाप भी खत्म होते हैं और ग्रंथों में बताया गया है कि पीपल की परिक्रमा करने से महिलाओं को भी सौभाग्य बढ़ता है। दोस्तों, सोमवती अमावस के दिन तुलसी जी, सीताराम, राधे कृष्ण, लक्ष्मीपति विष्णु और भगवान शिव पार्वती की पूजा करें तथा पीपल या तुलसी जी की 108 बार परिक्रमा करें। प्रत्येक परिक्रमा में पीपल या तुलसी जी पर कुछ न कुछ चीजें चढ़ाते जाएं। 108 परिक्रमा देने के बाद उस पर सब चढ़ावे को किसी ब्राह्मण को दान करें। फिर तुलसी जी और पार्वती जी पर सिंदूर को चढ़ावे। उसी सिंदूर से सुहागिन स्त्रियां अपने सर पर लगाएं और माता लक्ष्मी जी से अपने सुहाग की प्रार्थना करें। इसके बाद कोई भी 13 वस्तुएं सोमवती अमावस के उपलक्ष्य में भगवान का नाम लेकर ब्राह्मणों को दान करें। आइए दोस्तों, अब हम आपको सुनाते हैं सोमवती अमावस की कहानी। एक साहूकार और साहूकारनी थे। उनके साथ बेटा, बहू और एक बेटी थी। उनके घर एक भिखारी भिक्षा लेने आया करता था। वह भिखारी बहुओं के हाथ से तो भिक्षा ले लेता था, लेकिन यदि बेटी उसे भिक्षा देने जाती थी तो वह उसे मना कर देता था। पूछने पर कहता कि बहुओं के भाग्य में सुहाग लिखा है, किंतु इस लड़की के भाग्य में सुहाग नहीं है। एक दिन यह बात जब साहूकारनी ने सुनी तो वह बहुत दुखी हो गई। दूसरे दिन साहूकारनी ने इस बात का कारण जानने के लिए खुद दरवाजे पर बैठ गई और भिखारी के आने का इंतजार करने लगी। जब भिखारी आया तो साहूकारनी ने उससे इसका कारण पूछा। भिखारी बोला, तेरी लड़की का जब विवाह होगा तब फेरों के समय आकर इसके पति को सर पर डस लेगा। यह सुनकर साहूकारनी दुखी होकर बोली, इस विपत्ति से बचने का कोई उपाय बताइए। तो भिखारी ने कहा, इस विपत्ति के टलने का एक ही उपाय है, एक सोना नाम की धोबन है। यदि वह आकर तेरी लड़की को सोमवती अमावस का फल दे दे तो इसका सुहाग बच सकता है। यह सुनकर साहूकारनी सोना धोबन की खोज में निकल पड़ी। जो भी उसे रास्ते में मिलता उसी से सोना का पता पूछने लगी। थोड़ी दूर चलकर वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। पेड़ पर गरुड़ पंखने का बच्चा भी था। उसे खाने को एक सर्प आया। साहूकारनी ने सांप को मारकर डाल के नीचे दबा दिया। जब गरुड़ पंखनी आई तो साहूकारनी को देखकर उसे चोंच मारने लगी। साहूकारनी ने कहा कि मैंने तेरे बच्चे को सांप से बचाया है, मुझे क्यों मारी। यह सुन उसने देखा कि सांप मरा पड़ा है।
सर्प को पास में मरा पड़कर देखकर गरुड़ पंखनी बहुत खुश हुई और बोली, तू वर मांग। साहूकारनी ने कहा, मुझे सोना धोबन के पास पहुंचा दे। गरुड़ पंखनी ने उसे सोना धोबन के घर पहुंचा दिया। सोना के सात बेटा बहू थे। उसमें काम काज के ऊपर आपस में किसी की नहीं बनती थी। यह देख साहूकारनी पास में ही रहने लगी। सबके सो जाने का मौका पाकर रोज सुबह अंधेरे में उसके घर जाती थी और उसके घर का चौका बसन झाड़ा बुहारी करके गधाओं की लाद वगैरह उठाकर पूरी तरह सफाई करके अपने स्थान पर वापस आ जाती थी। सोना दोबन यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुई कि इतनी सुबह कौन आकर ऐसी अच्छी साफ सुथरी सफाई करके जाता है। मेरी बहू तो आपस में ही लड़ती है, कोई भी सफाई करती नहीं है। फिर मुझसे भी ज्यादा ऐसा कौन अच्छा प्राणी है जो दिन रात को वह पता ही नहीं लगने देता और सारी सफाई करके चला जाता है। साहूकारनी आई और जैसे ही सफाई करने लगी, सोना धोवन ने उसे झट से पकड़ लिया और बोली, तू कौन है? क्या कारण है जो तू इतने अंधेरे में आकर सब काम करती है? सोना धोवन बोली, मैं इतनी नीच जाति की हूँ, तू मेरी सफाई क्यों करती है, बताओ मुझे। साहूकारनी बोली, पहले त्रिवाचा भर जो मैं मांगू सो देगी, तभी मैं बताऊंगी। सोना धोबन ने त्रिवाचा भरकर कहा, जो मांगूंगी सो दूंगी। तब साहूकारनी ने कहा, मेरी लड़की के भाग्य में सुहाग नहीं है, सो तू उसे सोमवती अमावस का फल दे ताकि उसे सुहाग मिल जावे, यह मुझे पंडितों ने बताया है। सोना ने कहा, जो मैं वचन दिया है उसे पूरा अवश्य करूंगी, परंतु तूने मुझसे वरदान बहुत कठिन मांगा है, जब भी तेरे ऊपर मुसीबत आवे तब तू मुझे बुला लेना। साहूकारनी अपने घर वापिस आ गई और उसकी बेटी के विवाह की तैयारी होने लगी। जैसे ही फेरों का समय आया तो मंडप में से एक सर्प निकला, वर को डस लिया, उल्टे नगाड़े हो गए और हाहाकार मचने लगी। साहूकारनी तुरंत सोना के घर पहुंची और उसे अपने संग ले आई। उसने आकर हाथ में जल लेकर सोमवती का फल दिया और हाथ की कन्नी अंगुली चीरकर उसमें से अमृत के छींटे जैसे ही जमाई को जीवित कर दिया तो वहां खुशी की लहर छा गई। हे सोमवती मैया, जैसे तूने उस साहूकारनी की बेटी को सुहाग दिया वैसे सबको देना। कहानी सुनते हुए को, कहते हुए को, पुकारा भरते हुए को, सभी को सोमवती अमावस्या का फल अवश्य देना। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।